बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो कल ही एक बड़ी खबर निकल के सामने आई थी कि जो सालों से जो भर्ती अटकी हुई है, जी हाँ, वो भर्ती फिर से आपको देखने को मिल रही है, यानी कि बेसिक शिक्षक भर्ती को जो है हरी झंडी मिल गई है। जी हाँ, रामकृष्ण उनियाल जो कि बेसिक शिक्षा निदेशक है, उन्होंने क्या कहा था कल कि बेसिक शिक्षक भर्ती अभी 1200 से अधिक पदों पर होनी है। मंगलवार को भर्ती के बाबत सभी जिलों को विधिवत आदेश जारी कर दिया जाएगा। अभी ये आदेश जारी भी हो गया है, उसकी भी कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 2 साल से अधिक ये भर्ती अटकी थी, अब जो है 1200 से अधिक पदों पर ये भर्ती होनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NISDL विवाद के चलते ये भर्ती जो है 2 सालों से अटकी थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने जो है औपचारिक रूप से इसको मंजूरी दे दी थी कल ही, लेकिन अभी आज जो है आदेश भी जारी हो गया है। अब जैसे कि आपको बताया कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NISDL वाले बेसिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट ने बेसिक शिक्षक के लिए पात्रता नहीं माना था। पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट ने NISDL को भर्ती में शामिल करने का आदेश दे दिया था। इस आदेश के खिलाफ कई जो है यहाँ पर शासन भी और उसके अलावा जो अभ्यर्थीगण थे तमाम वो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। बाकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। तो आप देखते हैं ये जो है फाइनली उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड उनखेड़े, यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षक तमाम जो जितने भी उनको ये आदेश जो यहाँ पर जारी हो गया है। सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में आप देख सकते हैं 12 दिसंबर को ये आदेश जारी हुआ है। आप देख सकते हैं इस आदेश में भी लिखा हुआ है कि अवगत कराना है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों के भरे जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा जो विचाराधीन स्पेशल लीव पिटीशन जो कि दिनांक 28/11/2023 को निर्णय हुआ है, उसी के संबंध में ये चीज़ कहा गया है कि रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जनपद स्तर पर निर्गत विज्ञप्तियों के सापेक्ष यहां पर जो है कार्यवाही पुनः प्रारंभ करते हुए यथाशीघ्र ही जो है यहां पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए जो है महत्वपूर्ण बैठक 13 तारीख को होगी। आप देख सकते हैं 13 तारीख को एक और बैठक यहां पे होगी जहां पर ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे किस तरह से यहां पर ये भर्तियां होंगी। तो आप देख सकते हैं उक्त के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त निर्धारित ऑनलाइन बैठक में अनिवार्य और जो है उपस्थित होना है। आप देख सकते हैं RK उनियाल यहाँ पर जो है प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून। तो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं आज क्या आदेश आता है, कब से ये चीज़ें स्टार्टअप होती हैं, लाइनअप होती हैं, हमारी पूरी नज़र इस पर बनी हुई है। कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।